तो गाइस ये क्रिकेट मैच चल रहा है जहां भारतीय स्कूल साकेत में, और आप बिलीव नहीं करेंगे, ये एक वॉइस सुन के हिट कर रहे हैं गेंद को, और वॉइस सुन के बॉल कैच कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं। तो इनके लिए गाइस एक लाइक तो बनता ही है, आप देख सकते हैं जैसा कि इन ब्लाइंड स्टूडेंट्स का मैच। ये वायर बहुत बाद में आई, बल्ला पहले घूम गया। पुलिस प्रशासन यहाँ पे आया हुआ है, और ये साकेत का जान भरते स्कूल एक ओवर मैच, दिल्ली फाइटर्स 474 बैटिंग टूवर्ड 474 रन, दिल्ली ब्लास्टर्स आपको 36 रन 38 फोर्थ ओवर। इट्स एन एक ओवर मैच। तो गाइस ये अनबिलीवेबल है कि ब्लाइंड स्टूडेंट भी क्रिकेट मैच खेल सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। इनके लिए गाइस एक लाइक और शेयर तो बनता ही है, सही के साथ कि ब्लाइंड लोग भी सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा तुम, हाँ हाँ तो 8 जून के साथ दिए अभी ने। तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे गाइस कि इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं दिखता है, ये लोग बस बॉल की आवाज़ सुन के और बॉल के पीछे दौड़ के बॉल को पकड़ते हैं। देखिए ये हिट किया इन्होंने बॉल को, जस्ट आवाज़ सुन के बॉल की वॉइस सुन के। तो आप देख सकते हैं गाइस कि ऐसे लोग तो फ्लूट है गाइस, सीरियसली कि हम लोग सब कुछ देख सकते हैं तब भी हम लोग कोशिश नहीं करते, और ये लोग कुछ देख भी नहीं सकते फिर भी ये लोग इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होकर गेम प्ले कर रहे हैं। और ये साकेत में हो रहा है गाइस, दिल्ली में, आप देख ही सकते हैं। और इसी के साथ इनको एक विकेट मिल गया गाइस। दूसरा विकेट छोड़ चुके हैं। ये तो है इन्होंने बहुत बॉल को डॉच किया फिल्म बॉल ने, लेफ्ट में बार बार गिरी, क्योंकि ये सिर्फ वॉइस सुनते हैं, बार बार कभी राइट कभी लेफ्ट गिर के बॉल को डॉच करे, उनको कोई दिक्कत तो है नहीं गाइस, आप समझ सकते हैं जल्दी देखते हैं। और बाकी आगे क्लियर में फेस भी दिखाऊंगा इनको वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहिएगा।
इन सब पे क्लियर फेस दिखाऊंगा आपको। अगर आपको जो भी बंदा दूर से यकीन नहीं करेगा उसके लिए वीडियो लास्ट में जरूर देखिएगा। देखिएगा बहुत क्लियर गई है जो लड़की देखी थी, तो ये बस बात सुन के मेरे को टैक्स कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है गाइस। देखा जाए तो एक आम इंसान आँख बंद करके भी नहीं चल सकता और ये लोग जो नहीं देख सकते बॉल होल्ड कर रहे हैं, फेंक रहे हैं और बॉल के पीछे पीछे। इनमें से कुछ गर्ल्स हैं गाइस जो कि कुछ परसेंट देख पा रही हैं जो बॉल फेंक रही हैं, तो फाइनली ये मैच कंप्लीट होने वाला है। हो गया कंप्लीट मैच, काफ़ी टाइम से चल रहा था गाइस, तो पूरी वीडियो बनाते तो बहुत लंबी हो जाती, तो मैंने शॉर्ट वीडियो बना के दिखाया आपको कि जो लोग देख नहीं पाते वो लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में। और ये सीन दिल्ली में साकेत के ज्ञान भारती स्कूल का है जहाँ पे मैच हो रहा है। ये पूरा पुलिस प्रशासन और उनकी सीनियर मैम जा रही हैं, मैच फिनिश हो चुका है, टीम जीत चुकी है। ये पूरा पुलिस प्रशासन इनको मेडल्स और गिफ्ट देते हुए जो टीम जीती है। मूलचंद पुलिस स्टेशन का पूरा स्टाफ तक बन रहेगा, आपको पूरा फेस दिखाएंगे, पूरा फेस सीरियसली लोग नहीं देख पाते हैं, फिर भी इन्होंने इतना अच्छा खेला। 8 ओवर में 74 रन का टारगेट अचीव करना था इनको, और जो बंदा नहीं देख सकता उनके लिए बहुत बड़ी बात है। ये देखिएगा सब देख सकते हैं इनकी आइज। All the joint commissioner of police, ma'am, to facilitate the best fighter, Neetu, Neetu, from Delhi Fighters. Ma'am, best fighter. ये पूरा पुलिस प्रशासन मूलचंद पुलिस स्टेशन का यहाँ आया हुआ है। बाकी आप स्पीच भी सुनेंगे। 27 runs out of 22 balls. ये मेन मैम है। नाउ आई रिक्वेस्ट मैम टू फैसिलिटेट व्हाट इज जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस टू फैसिलिटेट बेस्ट बॉलर शबनम फ्रॉम दिल्ली ब्लास्टर्स। ये ब्लाइंड सम गर्ल्स आर इज इन मैम सेव नॉट मच मोर लिटिल बट मोस्टली ऑल गर्ल्स आर ब्लाइंड, सो आप समझ सकते हैं। ये मैम है मूलचंद स्टेशन की सीनियर, इनको गिफ्ट करेंगे मेडल्स। मैम डीसीपी मैम टू फैसिलिटेट द बेस्ट फील्डर प्रीति फ्रॉम ब्लास्टर्स। प्रीति प्रीति स्पेशल स्पीक मैम प्रीति और इनके जो कोच हैं वो भी नहीं देख सकते हैं, अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे उनसे भी बात करेंगे, कोच से भी पूरी वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा। उनके जो कोच है वो भी नहीं देख सकते, तो आप सोच सकते हैं उन्होंने कैसे इनको ट्रेन किया होगा। और इनमें से 4 लड़कियां नेशनल के लिए भी सिलेक्ट हुई हैं, आप ये देख सकते हैं फेस इनके, तो इनमें से 4 लड़कियाँ नेशनल के लिए भी सिलेक्ट हुई हैं। जो इनके कोच आएंगे अभी वो बताएंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। Delhi Fighters, Delhi Blasters team, the runners of special Shilpi Mam, the captain of the team and the team.
किडनी नहीं दिखता, ये हाथ पकड़ के एक दूसरे के एक साथ चलती हैं चैन बना के, ताकि कोई इधर उधर रास्ता ना मुड़े कोई पर्सन। अब हम देख सकते हैं इनके कोच हैं, इनको भी नहीं दिखता गाइस, तो आप यकीन कर सकते हैं कि इन्होंने कैसे ट्रेंड किया होगा इन सबको। ये बहुत बड़ी बात है गाइस कि जो कोच खुद नहीं देख पाता देख सकता है, वो अपने स्टूडेंट को कैसे कोच कर सकता है, खुद देखिए गाइस कैसे ट्रेंड कर सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो लास्ट तक बने रहिएगा और आप सुनते रहिए, सर बताएंगे कि चार गर्ल्स भी जो एफएम में सिलेक्ट हुई हैं। दे हैव बीन सिलेक्टेड फॉर अ ट्रायल कैंप फॉर द फर्स्ट एवर इंडियन टीम जो अभी यहां होने वाला है कुछ नेक्स्ट मंथ में। सो टेनी से चार प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं, प्रीति एक टीम वाला है जो आज आ नहीं सकी, एक शबनम बीवन के डिग्री में, और रिसेंटली दिल्ली बेंगलोर में अपना नेशनल खेल के आई है थर्ड, जिसमें हम लोग सेमीफाइनल्स तक पहुंचे थे, एंड प्रीति एंड नूरी ने उसमें एक मैच में 218 रन का ओपनिंग स्टैंड दिया था अगेंस्ट आसाम को इन 15 ओवर्स ओनली। सो ये था जो अभी हमारा लेटेस्ट अचीवमेंट रहा, एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैं से कि जो हम लोगों को दिल्ली में प्रॉब्लम होती है मोस्टली वो होता है ग्राउंड का, क्योंकि गर्ल्स है बॉयज तो फिर भी कहीं ना कहीं मैनेज कर लेते हैं, बट गर्ल्स अगर कॉलोनी पार्क से ऐसी जगह जाके खेलती हैं तो थोड़ा सा अनसेफ रहता है, तो अगर आप कोई ग्राउंड हमें अलॉट कराने में हेल्प करें ऑन संडेज, चाहे मंथ में दो संडेज हो सके, तो देट विल बी ऑफ अ ग्रेट हेल्प। तो थैंक यू सो मच, इसी के साथ मिलेंगे गाइस दूसरे वीडियो में, ऐसी और जानकारी देखने के लिए वीडियो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बाय बाय और फोटो।